हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो सेशन है 100 प्रीलिम्स लेवल पजल सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ इसमें मिक्स रहता है, जो बहुत ज़्यादा शानदार होता है। रात का 8 बजे और शाम का 7 बजे इस सब टॉपिक को छोड़ करके जितना भी बचता है, ब्लड रिलेशन हो गया, इनिक्वलिटी हो गया, सिलॉक्स हो गया, कुछ भी एकदम, ये सब शाम का 7 बजे। तो ये दोनों सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका रीजनिंग है ना इसमें बहुत अच्छा अच्छा क्या फुल स्कोर करवा देंगे। इतना तो ये है, ताकि जो तरीका मैं बताता हूँ, जो जैसे कि एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए, मेन मोटो यही है ना। मुझे पता चला कि हाँ ठीक है, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो गया, सिर्फ बनाना नहीं चाहिए, कम समय में कैसे बनता है, नहीं फंसना है, ये भी तो बहुत ज़्यादा तरीका होता है। क्योंकि पता है ना, जो पजल में जो फंस गया ना, उसका एग्ज़ाम ही खराब हो जाता है, एग्ज़ाम से बाहर हो जाता है। और यही होता है कि अरे एक पजल फंसा दिया यार, एक पजल में फंस गए, एकदम पजल में ही फंस के रह गए, तो वो सब एकदम बिल्कुल भी नहीं। आज का जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है, देखते ही इसमें लगभग 80% बच्चा इसमें फंस जाएगा, देखते ही छोड़ देगा एकदम, क्योंकि इसका जो साइज वगैरह है सब कुछ मैटर करता है ना। ठीक है, बच्चा 20% 20% में 10% फंस के रह जाएगा, 10 में 5 जो है ना टाइम ज़्यादा लगेगा, 5% इसको बना लेगा, जो कि लिमिट जो रहता है ना उस लिमिट के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखो 9 लोग हैं यहाँ पे, NOPQRSTUV तक। ठीक है, सब लोग अपना वीकली चेकअप कराने जा रहे हैं, ठीक है, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, और इसमें देखो अब होता है क्या है ना, कि अगर हम यहाँ से बना रहे, क्या कहा जा रहा है कि 3 पर्सन गोज टू द हॉस्पिटल बिटवीन यू एंड ओ, यू और ओ के बीच में कितना लोग हैं? ठीक है, 3 लोग जाता है ना। ठीक है, अच्छा और आगे देख लेते हैं, तो यहीं से शुरू करें या फिर कहीं और से करें। एज मेनी पीपल गोज टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम और यू बिटवीन ए ओ एम एंड, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2 पर्सन गो बिटवीन एम एंड टी, ठीक है ठीक है ठीक है। ओनली 3 पर्सन गोज टू द हॉस्पिटल आफ्टर एस, इसको हम लिख करके ये कर सकते, ताकि थोड़ा सा हमको बैठाने में सही रहेगा। ठीक है, देखो तो 9 लोग हैं ना, अच्छा एस के बाद कितना है, केवल 3 है, तो मान लेते हैं कि एस यहाँ पे हो जाए, और 1 2 3, इसके बाद 3 है, तो बाकी जो होगा ऊपर हो जाएगा, 4 लोग तो हो गया ना, 5 6 7 8 और 9 हो गया। अच्छा सेम एक और हम कंडीशन यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे एक ये हो गया, 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया, एस हो गया 6 7 8 9, 2 पॉसिबिलिटी करके कर लिए, क्योंकि हमको बैठाना इसी में है। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे एस से रिलेटेड कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, फिर भी हमने यहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि इसका टर्म जो है ना ये फिक्स है। अब हम अगला काम क्या करेंगे ना, यही स्मार्टली थोड़ा सा खेलना है यहाँ पे। ठीक है, अगर इस तरह का आए आप कर सकते हो, अगर टू द पॉइंट दिया उसको आप लिख के फटाफट बैठा दो, क्योंकि वो हमेशा उसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। चलो अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको अलग से लिख के करते हैं, 3 पर्सन गोज बिटवीन यू और ओ, ठीक है, तो मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे करें क्या, यू और ओ के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 हो गया, हो सकता है ओ यहाँ पे हो जाए 1 2 3, यू हो जाए यहाँ पे हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ोगे तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि एज मेनी पर्सन गोज टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम और यू, एम और यू के बीच में जितना है ना उतना ही ओ और एम के बीच में है। मतलब अब हम एम को लिखेंगे कहाँ, तो एम हमेशा आएगा बीच में ही आएगा, क्योंकि तभी तो एम और यू और एम और ओ के बीच में दोनों सेम आ जाएगा, एक एक है ना, फिक्स है कि एम यहीं पे आएगा, इसमें कहीं कोई दो मत वाला बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया 2 पर्सन वाला। अच्छा अब आगे दिया हुआ है ना 2 पर्सन, आप कहो कि हम ये बना रहे कि ये बना रहे, अरे इस तरह का ये करते हैं सीधा लेके इसमें अब हम डाल देंगे। ठीक है, 2 पर्सन आर गो पर्सन गो टू द हॉस्पिटल बिटवीन एम और टी के बीच में कितना है, 2 है। देखो अब यहाँ पे हो सकता है कि टी नीचे हो जाए, हो सकता है टी ऊपर हो जाए, टी नीचे हो जाए, टी ऊपर हो जाए, कहीं पे भी तो हो सकता है ना। चलो अभी इसको हम रोक करके रखेंगे, ये लाइन तो मेरा हो ही गया, क्योंकि जब भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाए ना तो रोक करके ही रखना है। ना इधर ओ और यू जो है ना फर्स्ट और लास्ट में, ओ और यू जो है कभी नहीं जाता है, मतलब ये फिक्स है कि यू के ऊपर भी कुछ होगा, ओ के नीचे भी कुछ होगा। अब कितना है ये अभी हमको आता पता एकदम नहीं, लेकिन अंतिम और पहला ये दोनों में से कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है चलो, अच्छा एक बात बोला गया है, क्या बोला गया है वो मैं देख लूँ, चलो कहाँ गया कहाँ गया, हाँ फर्स्ट ये हो गया ना, और क्यू गोज टू द हॉस्पिटल 3 पर्सन बिफोर आर, इसका मतलब क्या होता है, क्यू गोज टू द हॉस्पिटल 3 पर्सन बिफोर आर, इसका मतलब आर के पहले तीसरा, मतलब बीच में कितना है, बीच में 2 है। ठीक है ना,
तो ये हो गया, अभी इसको हम नहीं बैठाएंगे कहाँ पे, पहले ये फटाफट लिख रहे हैं। अब एन जो है ना पी के पहले जाता है लेकिन ठीक पहले नहीं जाता है ना। अब देखो टी के बारे में बोला गया ना कि टी इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, नाइदर लास्ट, ना ही अंत में जाता है और ना ही इमिडिएटली आफ्टर जो है ना यू, यहाँ पे यू दिया हुआ है, छूट गया है, ठीक है ना। ना तो ये जो है ना यू नहीं, यहाँ पे लास्ट वाला क्या था, यू वाला ही है, यू वाला ही, ठीक है, ये यू यहाँ पे कर लो, छूट गया, ठीक है। देखो ना तो ये लास्ट में जाता है, तो नीचे वाला पहला है, दूसरा तीसरा ऐसे, लास्ट वाला ये है, ठीक है ना। द टी ना तो ऊपर जाता है और ना ही यू के ठीक बाद जाता है। देखो इस वाले केस में यू के ठीक बाद तो मतलब एक दो टी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनता था, तो टी तो यहाँ पे होगा ही नहीं होगा, तो एक एक दो टी जब भी हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो अब इस वाले केस में, इसमें ना अभी भी हम मेरा दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो एक दो टी एक यहाँ पे आ रहा है ना, दूसरा एक दो टी यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी रुक जाओ, एकदम थोड़ा सा पेशेंस रखो, एकदम कैसे रखना वो मैं बताता हूँ। अच्छा इसको जो है ना उठा करके हूबहू किसी में हम डाल सकते हैं, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट ऑलरेडी हो गया है। पहले ही बोला है ना टी ना तो लास्ट में जाता है, मतलब टी यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है। टी को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो बैठ सकता है क्या, चलो देख के करते हैं। हाँ जैसे टी अगर यहाँ पे रखेगा तो एक दो लगातार हो जाएगा, एक गैप हो जाएगा, यहाँ पे एम हो जाएगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे टी रखेंगे ना तो बीच में एस आ जाएगा तो वो लफड़ा कर देगा। चलो तो टी को यहाँ पे रखते हैं, टी हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, और ओ को छोड़ करके एक एम है ना, एम यहाँ पे हो गया, और एम को एक छोड़ करके क्या है यू हो गया, ठीक है। और यू के बाद तो ये इतना हो गया ना। चलो अब ना इतना हो गया, बैठ गया ना, कितना लोग हो गया, एक दो, अच्छा इतना हो गया। चलो अब एक काम करते हैं, ये वाला जो, अच्छा एक बात बताओ, क्यू और आर वाला जो है ये जहाँ वहीं पे बैठ पाएगा ना जहाँ पे इसके बीच में दो का गैप होगा, तभी तो हो पाएगा ना। तो नीचे तो कोई गैप उप नहीं है, नहीं है ना, ये फिक्स है कि क्यू यहाँ पे हो जाएगा और आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आर यहाँ पे हो जाएगा। और एक काम क्या करना है, आगे एक चीज़ दिया हो ना कि एन गोज टू द हॉस्पिटल बिफोर पी बट नॉट इमिडिएटली, लेकिन यहाँ पे फिक्स है कि एन पी से ठीक पहले जा रहा है ना, ले ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ये वाला आपका केस ही हो गया गलत, है ना। चलो अब इसको लेकर के, ये वाला तो आपका गलत हो गया, अब इसको लेकर के इसमें बैठाते हैं, तो इसको लेकर के अगर बैठाते हैं तो जरा सोच के देखो कि देखो जो टी जो है ना टी सबसे ऊपर नहीं हो सकता है ना, टी सबसे ऊपर भी नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे लास्ट में नहीं होगा, है ना। तो मान लेते हैं अगर यू को लेकर के अगर चलते हैं तो यू भी तो सबसे ऊपर नहीं हो सकता है ना। अच्छा यू को यहाँ पे रखते हैं तो एक छोड़ के एम यहाँ पे हो जाएगा, और एम को एक छोड़ करके एक मतलब ओ होना चाहिए, तो यहाँ पे तो जगह है ना, इसलिए फिक्स है कि हम अगर हम यू को यहाँ पे करते हैं है ना, तो एक छोड़ करके नीचे आ गया आपका एम यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। एम अगर यहाँ पे आ गया तो एक नीचे छोड़ के यहाँ पे ओ आ गया ना। चलो अब हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं पता है, अब इस वाले लाइन को बैठा करके देखते हैं, क्यू और आर के बीच में कितना है, दो लोग हैं, इधर तो कहीं कोई जगह है नहीं, है ना, नहीं है, तो यहाँ पे फिक्स करते हैं कि क्यू और आर के लिए ये वाला क्यू यहाँ पे हो गया, एक दो छोड़ करके आर यहाँ पे हो गया, और तो कोई जगह है नहीं, नहीं है ना। चलो अब एम और टी के बीच में दो लोग को बैठाना है ना, एम और टी के बीच में दो लोग को बैठाना है ना। अगर जरा सोचो, एक दो टी को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो फिर से एन और पी मेरा यहीं पे आ जाएगा, और ऑलरेडी बोला क्या कि एन जो है पी के ठीक पहले नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, एक दो टी को यहाँ पे कर देते हैं, हो गया ना, तो भी तो टी हो रहा है ना। अब हम एन को यहाँ पे कर दे रहे हैं और पी को यहाँ पे कर दे रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, अब बन भी गया कि नहीं बन गया। तो यही तरीका थोड़ा सा आपको अपनाना है, देखो यहाँ से इस जो क्वेश्चन है ना इसे आपने क्या सीखा, जब जब भी टू द पॉइंट फिक्स दिया रहे ना आप उसको कर लो, और छोटा मोटा जो है ना उसको आप ये अलग से करके सीधा लेके उसमें सेट कर दो, है ना। कई बार क्या होता है कि अगर हम यहीं से लिखना शुरू अगर कर देते हैं ना, ठीक है, तो इसमें पता चला देखो बनेगा, तो अगर यहीं से अगर डायरेक्ट लिखना करेंगे ना तो भी बनेगा, लेकिन भाई मेरे बहन मेरे जो भी है ना टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा, पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा एकदम पूरे, तो वही तो हमको नहीं करना है ना। क्यों आखिर देता है, अगर बाकी एग्जाम का बात करें तो 20 मिनट के आसपास में या तो 35 क्वेश्चन रहता है, अगर इस आरआरबी का बात करें तो इसमें अगर 40 है ना
ठीक है 40 है तो ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 22-23 मिनट इसमें समय दोगे, है कि नहीं? तो ये चीज़ आपका स्पीड जो है ना एकदम पूरा मेंटेन ही रहना चाहिए। 20 मिनट में अगर 35 कर रहे हैं तो 2 मिनट 3 मिनट और बढ़ा लो तो 40 हो जाएगा, 5 क्वेश्चन और तो बन जाएगा ना। तो ये तरीका आपको अपनाना है एकदम एग्जाम में, स्मार्टली खेलना है तो फिर आप पजल में कभी नहीं फंसोगे, ये मैं वादा कर दो आपसे। सर कहीं सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको शेयर करें चैनल पे। पहली बात आप सपोर्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम का भी लिंक मैं डाल दे रहा हूँ क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? रोज़ का वहाँ पे वर्क दिया जाता है, उसको आप कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा मिला। और कुछ अगर आपको समस्या है, परेशानी है, कष्ट है, दुख है ना, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर ही। चलिए बाय बाय, टेक केयर।